साथियों, स्पोर्ट में हम जीत के लिए 360 डिग्री परफॉर्म करने की जरूरत होती है और पूरी टीम को परफॉर्म करना होता है। यहां अच्छे अच्छे स्पोर्ट्समैन उपस्थित हैं, आप बताइए क्या क्रिकेट में कोई टीम बैटिंग अच्छी करे लेकिन बॉलिंग बिल्कुल खराब करे तो जीत पाएगी क्या? या टीम का एक खिलाड़ी बहुत अच्छा खेले लेकिन बाकी सब परफॉर्म न करे तो भी जीतना मुमकिन होगा क्या? जीतने के लिए पूरी टीम को बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में सब जगह अच्छा खेलना होगा। भाइयों और बहनों, भारत में खेलों को सफलता के शिखर तक पहुंचाने के लिए भी देश को आज ऐसे ही 360 डिग्री टीम वर्क की जरूरत है। इसलिए देश एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ काम कर रहा है। खेलो इंडिया प्रोग्राम इसी प्रयास का एक बड़ा उदाहरण है। पहले हमारी युवा प्रतिभाएं दबी रह जाती थी, उन्हें मौका नहीं मिलता था। हमने देश की प्रतिभाओं को पहचानना, उन्हें हर जरूरी सहयोग देना शुरू किया। प्रतिभा होने के बावजूद हमारे युवा ट्रेनिंग के अभाव में पीछे रह जाते थे। आज बेहतर से बेहतर ट्रेनिंग सुविधाएं खिलाड़ियों को दी जा रही है। देश ये सुनिश्चित कर रहा है कि खिलाड़ियों को रिसोर्सेज की कोई कमी न पड़े। पिछले 7-8 सालों में स्पोर्ट्स बजट करीब करीब 70% बढ़ाया गया है। एक बड़ी चिंता खिलाड़ियों के भविष्य को लेकर भी रहती थी। आप कल्पना करिए, अगर खिलाड़ी अपने भविष्य के लिए आश्वस्त नहीं होगा तो क्या वो खेल के प्रति 100% समर्पण कर पाएगा? इसलिए हमने खिलाड़ियों को मिलने वाले एनकरेजमेंट एंड अवार्ड्स में भी 60% से ज्यादा का इजाफा किया है। अलग अलग स्कीम्स के जरिए अब उन सभी कोचिज को भी रिवॉर्ड दिया जा रहा है जिन्होंने मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया था। इसका परिणाम यह है कि आज ग्रामीण इलाकों से, पिछड़े वर्ग से, आदिवासी समाज से भी वो प्रतिभाएं देश के लिए सामने आ रही है जिसके लिए देश को गौरव हो रहा है।